युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए की मारपीट। अमरपाटन थाना क्षेत्र निवासी 27 वर्षीय विभूति भूषण मिश्रा ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया था, जिसे संजय गांधी अस्पताल के गंभीर रोगी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर अंकित सोलंकी के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने डॉक्टर के ऊपर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। बीच बचाव में आए लोगों से भी परिजनों के द्वारा मारपीट की गई। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद विवाद को शांत कराया जा सका। घटना ये हुई कि मरीज जो मरा हुआ था उसके अटेंडर हमको पकड़ पकड़ के मार रहे थे, बॉडी चेक करवा रहे थे, बोले इसको देखो, इसको ठीक करो। क्या गार्ड रोड पे उस समय पे नहीं थी क्या? गार्डों को भी मारा ना, गार्ड को भी लाया हमने, चार पांच लोग थे गार्ड पे भी हारे हो गए, तो गार्ड ने मेरे को अंदर ले आया, कांच तोड़ा उन्होंने, अंदर घुस गए थे, अंदर भी घुस के मारने आए थे चार पाँच। कितने लोग थे? घटना हो गई थी। घटना क्या हुई थी? अमरपाटन क्षेत्र से एक पॉइजनिंग का केस आया हुआ था, उसके परिजन भी आए थे फोर व्हीलर गाड़ी से, और डॉक्टर सोलंकी जी ने उसको मृत घोषित किया है। उसी बात से कुछ विवाद हुआ है और विवाद के बीच में डॉक्टर के साथ में जुमा झटकी हुई है। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, अभी डेड बॉडी मर्चुरी में है और जांच करने के बाद यदि जो भी दोषी हो रहा उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तुम्हारे नाती की घटना हुई। क्या नाम नाती? विभूति भूषण मिश्रा। और इसके बाद जब वहाँ एक तो लिफ्ट से चढ़ने नहीं दे रहे थे डॉक्टर, जबरदस्ती हमारे आदमी हम तो पीछे आए, फिर इसके बाद वो लोग जबरदस्ती चढ़ाए, इसके बाद डॉक्टर को बोलते हैं कि सर थोड़ा देख लीजिए, तो उसकी समय पर स्थित थी, वो लोग बोलते हैं कि वो ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई सुनने वाला नहीं। जब मैं आया वहाँ तो जबरदस्ती किया कि भाई आप अभी मेरे तक देख लो, तो ये लोग पूरे पूरी गार्ड पूरा वो मतलब डॉक्टर पूरे उनके साथ वाले डंडा चार्ज किए, हमारे भाई की पूरा सिर फट गया, एक लड़के के भी और सिर फट गया, उंगली कट गई है। बिना देखे मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने? हाँ हाँ, बिना देखे मृत घोषित किया, मतलब देखा जांच लगा के थोड़ा काम खत्म हो गया। अब वो समय पर जो हमारे साथ में थे तो यही बताते थे, वो अभी नहीं खत्म हुआ, अभी की रहा थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य चल रहे, ये लोग फिर नहीं देख पाए कोई। कुल मिलाकर